वॉट ए ड्रैग इसका टाइटल मैंने इस वजह से रखा कि जो ड्रैग जो होता है ना एरोडाइनमिक ड्रैग स्पेसिफिकली एडी जो चौथा फोर्स जिसकी बात की थी वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बाकी चीज़ों तो मैकेनिकल डिजाइन से कुछ चीजें बन जाती हैं लेकिन आमतौर पर यह बात समझ में नहीं आती एक तो वी स्क्वाड डिपेंडेंस है ना एक फिर उसके बाद फ्रंटल एरिया डिपेंडेंस फिर उसके बाद कोअफिशेंट ऑफ एरोडाइनमिक ड्रैग डिपेंडेंस जो आपको मैंने टेबल दिखाया था उस एक मॉड्यूल के अंदर तो वो सबको समझ के फिर उसके बाद फोर्स कैलकुलेट करना पड़ती है कि उससे फोर्स कितनी लगेगी और कितनी ज़ाया होगी इससे सबसे फोर्स ज़ाया होती जा रही है ना तो ये अब ये मैंने देख बताया था ना कि जितने आप आहिस्ता चलेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव होगी जितनी ज़्यादा चलेंगे देर से चलेंगे तेज चलेंगे, चलेंगे उतनी ज़्यादा उसमें होती जाएगी तो ये एक ये सब कैलकुलेट करके अमेरिका में भी एक लिमिट तय की थी एक ज़माने में जब तेल थोड़ा सा कम हो गया था उनके पास तो उन्होंने कहा था पचपन फील पचपन मील फ़ी घंटे की रफ़्तार से आगे नहीं जाने चाहिए है? सब सब उस पर चलाते थे अब जब से तेल की फ़रावानी शुरू हुई है तो उन्होंने वो सब भूल गए अब उनकी जो मिनिमम हाईवे पे जो लिमिट है वो सिक्सटी फाइव माइल्स पर आवर है और जो जगह जहाँ पे कोई भी नहीं हो आबादी कम वहाँ तो एटी फाइव माइल्स तक के चल सकते हैं आसानी से अब एटी फाइव माइल्स पे चलें और 55 फाइव माइल पर चलेंगे तीस मील का डिफरेंस का मतलब ये कि नौ गुना ज़्यादा उसके अंदर वो तेल की जरूरत पड़ेगी लेकिन वो तेल इतना ज़्यादा है सस्ता ही अब तो खैर थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है लेकिन बीच में ऐसा होता है कि तेल इतना सस्ता हो गया था क्योंकि मसला ही नहीं था लोग जितनी मर्ज़ी तेज़ी से चलाना चाहे बाज़ स्टेट में कोई लिमिट ही नहीं है टैक्स में भी बाज़ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोई लिमिट वो कहते हैं अपने मौसम के हिसाब से चलाएं अगर बारिश हो रही तो स्लो कर दें बर्फ पड़ी तो स्लो कर दें वरना तो अपनी मर्जी से चलाएं जैसी मर्जी से चला रहे हैं वो फिर वो उसका ये जो कॉन्सेप्ट है ना ड्रैग वाला कॉन्सेप्ट ये उसमें उसको कवर नहीं करता तो ये ड्रैग में और एक जो चीज़ आपको मैं बताई थी ए सब है फ्रंटल एरिया उससे कनेक्टेड है कोअफिशेंट ऑफ ड्रैग अब ये पुरानी जो 1928 की मॉडल टी है ना जो पुराना जो काले ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ऊपर लेफ्ट पे जो दिखाई दी उसका आप फ्रंटल एरिया देखें बिल्कुल फ्लैट है फ्लैट तो ऐसे है जैसे ये है ठीक है ना अब इसको चलाएंगे तो यकीन उसका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा तो उसका ऑयल कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होगा सी सब डी जो कोफिशेंट ऑफ ड्रैग है इसका जीरो पॉइंट एट है काफी ज्यादा है राइट हैंड पे देखें नाइनटीन थर्टी नाइनटीन ट्वेंटी एट से नाइनटीन थर्टी तक के फिर उन्होंने थोड़ा सा इसका स्ट्रीम लाइन करना शुरू कर दिया वो देखें सर्फेसिस जो हैं फ्लैट भी हैं लेकिन बहुत सारी कर्ड सर्फेस भी हैं जितनी भी कर्व सर्फेस होंगी ना हवा वहाँ से आसानी से गुजर जाएगी तो उसका ड्रैग कोफिशेंट है वो जीरो है ठीक है अब वो लेफ्ट हैंड साइड पे एक हमारे बहुत बड़े जिस कंपनी में मैं एक जमाने में काम करता था टू कंपनी उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया हुआ था इसका नाम था जेफ गार्डन बहुत बड़ा मशहूर वो है गाड़ी चलाने वाला रेस कार ड्राइवर है उसकी गाड़ी देखें कैसी है बिल्कुल जमीन के साथ लगी हुई है और एकदम स्ट्रीम हुई हुई है और कोफिशंट ऑफ ड्रैग जो है उसका जीरो है जीरो वो जीरो से लेके एक चौथाई हो गया ये तो दो की जैगवार है और जो जितने भी हाई जितनी स्पीड वाली गाड़ियां होती हैं ना वो बिल्कुल स्ट्रीम लाइन होती है बहुत कम ऐसी होती है एक चीज मैं दिखाऊंगा जो अब जरा पॉपुलर होने लगी है जो बिल्कुल नेगेटिव में जा रही है लेकिन ये चीजें जो है वो बहुत ही अच्छी था ये एक चीज है जिसको कहते हैं ममर ये बनाई गई थी आर्मी के लिए लेकिन उन्होंने कहा चलो इसको कमर्शल भी करते हैं तो वो कमर्शल में अब आप इसे जाके खरीद सकते हैं इसकी कॉस्ट है हंड्रेड एंड सिक्सटी थाउजेंड डॉलर रखना यह हर एक आदमी के अफोर्ड करने की बात नहीं है और ये अपने फिर वो प्रेस्टीज वाली बात है कि भई हम हमारे पास ममर है लेकिन ममर में आप देखें कैसा डिज़ाइन है ये डिज़ाइन आर्मी के लिए है जिसको कोई कंसीडरेशन नहीं है कि कितनी मील चलती हो एक एक एक, ते, एक गैलन के तेल से तो ये उसको अब आप, आप, आप लोगों को दे दी उन्होंने बेच के तो ये एक गैलन के अंदर कोई मुश्किल मुश्किलें चार पाँच मील चलती होगी Uh, चार पाँच से मील के ये माराद कि दस, दस किलोमीटर uh, आठ किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा एक एक ऐलहन के अंदर तो ये uh, ये ऐसी इट इज ऐसीबल फॉर द इन्वायरमेंट है सो जो uh, बाज लोग जो बहुत ही कट्टर कट्टरमेंट होतेरमेंटलिस्ट होते हैं ना वो सड़क पे कभी देखते हैं ऐसी गाड़ी को या पार्क हुई भी तो उस पर अंडा फेंकते हैं अंडा मारते हैं ताकि लोगों के समझ में आए कि ये तो बहुत गलत बात है इस तरह की चीज़ के अंदर इसकी देखें तकरीबन पॉइंट इसकी जो कोअफिशेंट ऑफ ड्रैग है और ये बहुत सारी अच्छी जो नई नई स्पोर्ट्स कार है ये भी सारी बहुत महंगी है ऑब्वियसली है पोर्शे है शेविक कॉरवेट है इन्फिनी है ये भी जो सारी जो हैं इनके भी जो कोअफिशेंट ऑफ ड्रैग है काफी कम है क्योंकि इनकी जो ज़्यादा जो शो मारने वाली गाड़ी है ना उसमें स्पीड की जरूरत होती है और स्पीड के लिए फिर उसको कोअफिशेंट ऑफ ड्रैग को कम से कम तर्क बनाना चाहता है और सबसे बड़ी चीज़ जो अब नई आई थी ना वो ये है पोस्ट फोक्स वैगन की एक्सेल अब सारी चीज़ें देखें सब चीज़ें स्ट्रीम लाइन है पिछले वाले टायर देखें वो भी पूरे कवर हुए हुए है ना सिर्फ आगे वाले टायर चूँकि कवर नहीं कर सकते वो तो टर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन पीछे वाले टायर सारे कवर हैं बिल्कुल लो टू द ग्राउंड है आ, सारी स्ट्रीम लाइन हुई हुई है तो इनकी कोफ़िशंट ऑफ ड्रैग जो है ज़ीरो पॉइंट वन एट नाइन है जीरो पॉइंट वन एट नाइन तो ये बहुत अच्छी लेकिन ये भी काफ़ी महंगी गाड़ी है इसका क्या है हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन थाउजेंड डॉलर तो बहरहाल अगर पैसे खर्च करने तो ऐसी चीज पे खर्च करें कि जो कि कम से कम इन्वायरमेंट पे तो इसका कोई अच्छा अफेक्ट पड़े अच्छा एक मज़े की कहानी यहाँ पे वो पाकिस्तानी कहानी है वो कहानी इन ट्रकों की है अब आपको पता है कि पाकिस्तान का ट्रक जो है वो लेजेंडरी है लोग आके सिर्फ पाकिस्तानी ट्रक को देखने आते हैं एक अमेरिका में अमेरिका में एक म्यूजियम है स्मिथ म्यूजियम जो अमेरिका का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है उसके अंदर एक ट्रक ये खड़ा हुआ है पाकिस्तानी ट्रक क्योंकि उसका डिजाइन ऐसा खूबसूरत है कैसे जबरदस्त पेंटिंग करते हैं आर्ट करते हैं फिर उस पर पीछे लिखते हैं पप्पू यार तंग ना कर ये सारी चीजें उसमें लिखते हैं ना तो ये बड़ी एक बड़ी, बड़ी बड़ा अच्छी चीज है बड़ी आर्ट आर्टिस्टिक चीज है अब वो उस पर पीछे ये भी लगाता है जिसको मेरी बेगम को सबसे ज्यादा पसंद उस पीछे लिखा होता है हॉर्न बजाओ और जाओ <laughs> तो वो ये अब वो देखें है तो खूबसूरत लेकिन अब उसको कोविशेंट ऑफ ड्रैग देंगे उसका सामने फ्रंटल एरिया देखें और नीचे जो है वो एक पाकिस्तानी पेपर है जिसको मैंने साइड किया यहाँ पे उसमें उन्होंने कैलकुलेट किया है कि इसमें इसकी जो ड्रैग है और जो फ्यूल जो है वो कितना लगेगा उसके हिसाब से ठीक है अब राइट हैंड पे देखें वो उसी किस्म का एक ट्रक है जिसको उन्होंने डिजाइन ऐसे किया है कि वो जो है तो वही बड़ा सामाई ट्रक वो पीछे उसके ऊपर वो लगा देते हैं पूरा बड़ा टैंक तो ये ऊपर चीज़ें जो इन्होंने लगाई हुई है वो ऐसी लगाई हुई है कि बिल्कुल उल्टी हैं जो अपने पाकिस्तानी ट्रक है और पाकिस्तानी हर ट्रक ऐसा नहीं होता मैं ये नहीं ब्लेम कर रहा हूँ कि हर ट्रक इस तरह का होता है लेकिन अगर आप उसको तो उल्टा कर देना बजाय इसके कि ऊपर ऐसे जट किया हुआ है तो हवा जो आ रही है वो जा ही नहीं रही वो सारा रेजिस्टेंस हवा का वहीं पर है तो अगर आपको इस तरह का उसके ऊपर कर देना तो देखें वो बिल्कुल उसका तकरीबन एक चौथाई उसका फ्यूल कंजम्पशन रह जाता है ये ड्रैग वगैरह जो है वो सारा बिल्कुल कम हो जाता है फोर्स जितना चाहिए होता है ना वो बिल्कुल एक चौथाई हो जाता है अब एक ट्रक वाली कंपनी से आप कहें कि ठीक है ये खूबसूरत बल्कि ये इस तरह करके इस तरह क्यों नहीं खूबसूरत कर सकते इस तरह का डिज़ाइन करके उसको खूबसूरत करें तो यकीन वो खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर किसी ट्रक कंपनी को ये समझाएं कि इस ट्रक के ऐसे ट्रक के बजाय ऐसा ट्रक बना देना तो आपका जो है प्रॉफिट जो है वो चार गुना ज्यादा हो जाएगा तो वो क्यों नहीं सुनेगा है ना बड़ी कॉमन सेंस सी बात है तो इस कसम की दो चार चीज़ें ऐसी होती है एनर्जी में स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो कि ज़रा आसानी से समझाए किसी को कि भाई ज़रा अपना जो टायर का प्रेशर उसका ख्याल रखा करें बहुत बड़ी चीज़ होती है वो काफ़ी उससे लॉस हो जाता है जैसे आपने देखा पाँच छः फीसद तो सिर्फ टायर के प्रेशर से लॉस हो जाता है जो आपका तेल है गाड़ी में लुब्रिकेशन ऑयल जो है उसको सही से रखें उसको आपने देखा कितना फ्रिक्शन लॉस कितने सारे हो जाते हैं और इस किस्म का ड्रैग्स जो होते हैं वो गाड़ियों में तो इतना मामूली बात है लेकिन ट्रक वगैरहों के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनको अगर समझ लें और उसको इम्प्लीमेंट करें तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो एनर्जी कंजम्पशन है जिससे सारा पोल्यूशन रिलेटेड है वो सारा आहिस्ता आहिस्ता कम हो सकता है